न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब इसी बुलेटिन में होगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा आज का सवाल है, कौन सी एक्ट्रेस हॉट अंदाज में मीटिंग करने पहुंची? कंगना रनौत है बॉलीवुड की लेडी सुपरस्टार। कंगना की जिंदगी की कहानी भी उतार चढ़ावों और कई तरह के विवादों से भरी रही है। फिल्मों में उनकी एंट्री भी काफी मुश्किलों भरी थी और जिंदगी की कहानी कुछ इस तरह की है कि उन पर एक अच्छी खासी बायोपिक फिल्म बन सकती है। कंगना के पास आज जो कुछ है उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की है। वर्तमान में कंगना बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जिनकी फिल्में सिर्फ उनके नाम पर चलती है। क्वीन, मणिकर्णिका और ऐसी कई फिल्में हैं जो सिर्फ कंगना के नाम पर हिट हुई है। उनकी अधिकतर फिल्मों में कोई लीड हीरो नहीं होता है, कंगना ही खुद फिल्म की हीरो और वही फिल्म की हीरोइन होती है। तकरीबन 300 फिल्मों का हिस्सा रह चुकी दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी के बाद कंगना रनौत वर्तमान में इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो अपने दम पर फिल्म हिट कराने का मादा रखती हैं। कंगना का हमेशा से कहना रहा है कि बॉलीवुड में बाहर वालों को कुछ खास मौके नहीं मिलते। मां के निधन पर मुंबई ना आने पर बोले ऋषि कपूर। ऋषि कपूर न्यूयॉर्क में लंबे वक्त से कैंसर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ट्रीटमेंट के दौरान ऋषि कपूर ने बहुत कुछ झेला। इन्हीं में से एक मुश्किल वक्त वो था जब उन्हें मां की मौत की खबर मिली। दुख की इस घड़ी में ऋषि कपूर अपनी मां को आखिरी बार देख तक नहीं सके। इस बारे में ऋषि कपूर ने पहली बार बातचीत की है। ऋषि कपूर ने बताया कि मैं यूएस के लिए 29 सितंबर को निकला था और मेरी मां का निधन 1 अक्टूबर को हुआ। ऋषि कपूर ने बताया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरे पास उस वक्त कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि मुझे रहना न्यूयॉर्क में था। ऋषि ने कहा, मेरे भाई ने कहा कि मुझे टाइम मिलते ही वहां आने का प्लान करना चाहिए, लेकिन बहुत देर हो गई थी। ऋषि कपूर के अलावा उनकी पत्नी नीतू कपूर और बेटा रणबीर कपूर भी एक्टर संघ न्यूयॉर्क में होने की वजह से कृष्णा राज कपूर के अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए थे। रवीना टंडन ने कहा, सलमान मुझे 120 साल से जानते हैं। रवीना टंडन इन दिनों पॉपुलर डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 में जज की भूमिका में नजर आ रही हैं। इस दौरान जज के अलावा स्पेशल गेस्ट के तौर पर सलमान खान ने शिरकत की थी। रवीना ने एक इंटरव्यू के दौरान सलमान खान संग अपनी बॉन्डिंग के बारे में बातें की। रवीना ने कहा, सलमान सबसे मेरे बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो मुझे पिछले 120 सालों से जानते हैं। उनके साथ ये मेरा कंफर्ट फैक्टर है। सेट पर हम लोग नॉनस्टॉप बातें करते रहते थे, पर जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो कई सारे चंक उसमें शामिल नहीं थे। ऐसे में हम दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि हम इतनी बातें क्यों करते हैं। रवीना ने कहा, मेरे हिसाब से जज का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप दूसरों की आलोचना करें। एक जज को संवेदनशील होना चाहिए और प्रतिभागियों के हौसलों को बरकरार रखना चाहिए। विद्या बालन बनी प्रोड्यूसर। विद्या बालन सामाजिक मुद्दों को प्रदर्शित करने वाली शॉर्ट फिल्म नटखट की निर्माता बनने जा रही हैं। वो इस फिल्म में एक्टिंग करती भी नजर आएंगी। रॉनी स्क्रूवाला इस फिल्म के सह निर्माता होंगे। विद्या ने एक बयान में कहा, ये एक सुंदर और दमदार कहानी है जिसने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने इसमें एक्टिंग करने के साथ साथ इसका निर्माण करने का भी मन बना लिया। विद्या बालन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा, मैं बीते कुछ दिनों से खबर शेयर करने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। मैंने बतौर एक्टर अपनी पहली शॉर्ट फिल्म की है। फिल्म का नाम नटखट है। साथ ही इस फिल्म के साथ मैं पहली बार फिल्म को प्रोड्यूस भी करने वाली हूँ। मैंने कभी प्रोड्यूसर बनने का नहीं सोचा था। हॉट अंदाज में मीटिंग करने पहुंची रिया चक्रवर्ती। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने यूं तो अभी चंद फिल्में ही की हैं, लेकिन अपनी एक्टिंग, सुंदरता और हॉटनेस के दम पर उन्होंने दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली है। रिया एक डायरेक्टर के ऑफिस में मीटिंग करने पहुंची थी। इसी दौरान पेपराजी ने उन्हें अपने कैमरे में कैद कर लिया। व्हाइट शर्ट में रिया बहुत ही ग्लैमरस लग रही थी। कुछ समय से ऐसी खबरें हैं कि ये एक्ट्रेस जाने माने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को डेट कर रही हैं। हाल फिलहाल में दोनों कई बार साथ नजर आ चुके हैं। इस बात की अब तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये दोनों साथ काम करने वाले हैं या वाकई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिल्म की बात करें तो ये एक्ट्रेस पिछले साल फिल्म जलेबी में नजर आई थी। हिमेश रेशमिया के बर्थडे पर लॉन्च हुआ हीरिये सॉन्ग। हिमेश के बर्थडे को खास बनाने के लिए उनकी अपकमिंग फिल्म हैप्पी हार्डी एंड हीर की टीम ने इस मौके पर फिल्म का सॉन्ग हीरिये लॉन्च किया है। फिल्म के इस गाने को अरिजीत सिंह ने अपनी आवाज़ से सजाया है। सॉन्ग लॉन्च के मौके पर हिमेश ने कहा कि पहले अरिजीत के साथ काम करने के बाद मैं दोबारा उनके साथ काम करने के सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। हीरिये को बनाते समय मेरे दिमाग में पूरा सीन था कि ये गाना कैसे फिल्माया जाएगा और ये गाना अरिजीत की आवाज़ में कैसा लगेगा। हीरिये की शूटिंग स्कॉटलैंड में हुई है। ट्रैक के वीडियो में हिमेश और अभिनेत्री सोनिया मान दिखाई देंगी। साड़ी में नजर आई काजल अग्रवाल, चर्चा में है नया फोटोशूट।
एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने साउथ इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। इन दिनों उनका लेटेस्ट फोटोशूट चर्चा में है। काजल ने मुंबई में एक ब्रांड के लिए फोटोशूट कराया है। इन तस्वीरों में वह अलग अलग साड़ी पहन नजर आ रही हैं। वह काफी खूबसूरत भी लग रही हैं। लुक को कंप्लीट करने के लिए काजल ने बालों को बांधा हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने इयररिंग्स पहन रखे हैं। उनके इस लुक को खासा पसंद किया जा रहा है। काजल आखिरी बार तेलुगु फिल्म सीता में नजर आई थी। इन दिनों वह अपनी नई फिल्म कोमाली के रिलीज होने का इंतजार कर रही हैं। ये फिल्म सितंबर में रिलीज होगी। इस बीमारी से गुजर रही हैं दिशा पटानी। दिशा पटानी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी इस हेल्थ प्रॉब्लम को शेयर करके बताया कि बाहर काम करने के दौरान सिर में चोट लगने के कारण उन्हें मेमोरी लॉस हुआ है। दिशा ने इंटरव्यू के दौरान कहा, मैंने अपने जीवन के 6 महीने खो दिए क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था। लेकिन इससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बड़े झटके के बावजूद दिशा ने अपनी डेली ट्रेनिंग को जारी रखा है। दिशा ने बताया कि ये फिटनेस ट्रेनिंग इसलिए चालू रही क्योंकि फिटनेस उनके लिए सबसे पहले आता है। एक बार फिर बता दें हमारा आज का सवाल, कौन सी एक्ट्रेस हॉट अंदाज में मीटिंग करने पहुंची? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।